सर 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 हमें जाने दीजिए सर। इतने दिनों से कैसा महसूस किया सर? अरे कुछ लिखा क्यों नहीं अभी तक? अब हमसे और सहन नहीं होता सर, प्लीज सर, प्लीज सर। सर आंदा कभी छोटे छोटे बच्चों की तरफ नहीं देखूंगा सर। फीडबैक भूख लगी है सर तो पता कैसे चलेगा कि ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है सर। फीडबैक तो तुम्हें लिखना ही होगा बेटा। कुछ दे दीजिए खाने को सर, मैं कल फिर आऊंगा सर। कुछ दे दीजिए। ये श्रीनिवास, ये ले लो वीकली रिपोर्ट और कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म करो। ओके। मॉर्निंग डीएसआर आकर मैं खुद कहूंगा। अच्छा तो ये जनरल टाइटल क्या लिखना है? फैमिली के साथ पिक्चर देख तेरी तो। फैमिली के साथ पिक्चर, ठीक है यही लिख देता हूँ। अरे सुन, मेरा ओनर है ना 2 दिन नहीं आएगा, ये 2 दिन हम बहुत इंजॉय करेंगे। हम लोग ऑडी कार लेकर जाएंगे, बहुत मजा आएगा उसमें। रे पता नहीं परसों ऑडी ले जाने में क्या हुआ, कोई नहीं आया। फिर अब क्या करें? एक काम करते हैं, हम लोग इसी गाड़ी में जाते हैं, सबको लगेगा कि शेयर गाड़ी है। यार अपना अड्डा तो सुपर है, कोई नहीं आता, मस्त मूड आता उस प्लेस पर। अरे हर बार एक ही जगह जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इस बार जगह बदलते हैं। तो फिर हमारी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाएंगे। काम वाली साइट पर वैसे भी कोई नहीं आता, अगर कोई आया तो उसे भी मौका दे देंगे। पता नहीं हमारा कौन सी लड़की इंतजार कर रही होगी। चलो चलते हैं। लिफ्ट चाहिए क्या? आप कहाँ तक जा रही हैं? पंजा गुट्टा तक जा रही हूँ, ड्रॉप कर दूँ? एक्चुअली मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, यू प्लीज कैरी ऑन। ओके थैंक यू। कहाँ जाना है मैडम? आप कहाँ तक जा रहे हैं? लिंगमपल्ली। ठीक है, मुझे गच्चीपल्ली तक छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, आप पीछे बैठिए मैडम। ओके। गच्चीपल्ली में कहाँ उतरना है मैडम? डीएलएफ। डीएलएफ के पास कहाँ मैडम? सरोजनी नायडू ओमन हॉस्टल। उस हॉस्टल को हम अच्छी तरह से जानते हैं मैडम, वहाँ के बहुत लोगों को जानता हूँ मैं। वहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती है ना मैडम? आपका नाम क्या है मैडम? जहाँ जाना था वहीं आए हैं, तुम चुप रहो। छोड़ो मुझे। Come on। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बिना परेशान किए हमें कोऑपरेट कर, काम होने के बाद छोड़ देंगे वरना यहीं मार के फेंक देंगे। साली कुतिया कमीनी मुझे मारती है। रुक यार, देख तेरा मैं क्या हाल करता हूँ। रुक जा, कोऑपरेट करेगी ये। देख वहां पर वो गाड़ी खड़ी है। बचाओ। पक्का इसने गन फायर किया होगा। हाँ सर। नीचे कोई आ गया क्या? यस सर, शायद नीचे कोई है सर। चलो नीचे उतर के देखो। यस सर, टायर के नीचे कोई है सर। देखो कौन है। तुमने गोली क्यों चलाई? सिर्फ डराना था ना। बहुत पर्सनल हो रहे थे। हमारा टारगेट उन सबको ट्रैप करके पकड़ना है और पकड़ने के बाद उन लोगों को अपने रिहैब सेंटर में पनिशमेंट देना है। हमारे ऑपरेशन का रूल नंबर 1, डायरेक्टली किसी को मारना नहीं है। रूल नंबर 2, डायरेक्टली किसी को नहीं मारना है। रूल नंबर 3, डायरेक्टली किसी को नहीं मारना। अगर उनकी मौत इतनी जल्दी हो गई तो उन्हें अपनी गलतियों का पता कैसे चलेगा? इस ऑपरेशन में जो कोई भी हो, नो रूल्स, नो जेल, नो पुलिस, नो कोर्ट, नो लॉ। स्ट्रेट टू आवर रिहैबिलिटेशन सेंटर। छोड़ दीजिए सर, प्लीज। हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। बस जितना हम पूछेंगे तू उतना बताता जा। उसके बाद हम तुझे अस्पताल ले जाएंगे। बता तेरे गैंग में कितने लोग हैं? कोई नहीं है सर। बोल बोल। तू फोन करके उन्हें यहाँ बुला ले, हम तुझे छोड़ देंगे। कोई नहीं है। अरे फोन करना। कोई नहीं है सर, प्लीज सर, आपके पैर पड़ता हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, हम बस 2 ही लोग हैं, मुझे छोड़ दीजिए सर। हाईटेक सिटी बस स्टॉप पर कैब के लिए वेट करने वाली लड़कियों को ले जाकर हम दोनों जबरदस्ती रेप करते थे सर। अब तक कितनी लड़कियों का रेप किया है? 10-15 लड़कियों के साथ सर। सर चुपचाप हमें कोऑपरेट कर, हमारा काम होते ही तुझे जहाँ जाना वहाँ छोड़ देंगे। चल बाहर निकल। नमस्ते सर। हाँ श्रीनिवास सर, हम 1 हफ्ते से मास गैंग कैब ड्राइवर स्वामी जी और उनके मेंबर्स के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे सर। उन्हें अरेस्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत मिला वहाँ से? सर हमें मास गैंग के खिलाफ कुछ क्लूज जरूर मिले हैं सर। ओके। 2 दिन में हम उन्हें पकड़ लेंगे सर। ओके श्रीनिवास सर, मुझे अपडेट करते रहना। ओके सर, रखता हूँ सर। कंसल्टेंसी ऑफिस में कोई है क्या? थोड़ी देर पहले ही चले गए सर। यहाँ कभी कोई नहीं रहता क्या? कब आते हैं वो लोग? पता नहीं सर, हर बार किसी नए शख्स को लेकर आते हैं पर जाते वक्त सिर्फ एक ही होता है। वे आने वाले कब जाते हैं मैंने कभी नहीं देखा सर। क्या कभी यहाँ लड़कियाँ भी आती है? अभी तक तो नहीं देखा सर। आप 2 दिन से ऑफिस पे नजर रख रहे हैं, कोई शक है क्या सर? इस कंसल्टेंसी ऑफिस में कुछ तो क्राइम हो रहा है, ऐसा शक है हमें। इस ऑफिस में आने वाली गाड़ी और फोन नंबर मुझे चाहिए। ठीक है सर। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो पहले मुझे फोन करो, ठीक है? ये चल। चल चलते हैं। इतना लेट? चल गाड़ी में बैठ। भाई इसे भी ले चलें। ए चल तू गाड़ी में बैठ। ए जाओ, बाद में मिलता हूँ। बस आज के लिए मार दूंगी तुझे। हाँ ये कहाँ से आ गया? नमस्ते। बैठो बैठो। तुमने इस आदमी को यहाँ पर देखा है? वो तो बाहर गया है पर इसके साथ वाली लड़की यहाँ है। कहाँ है? यही है सर। जरा यहाँ बुलाओ उसे। ये बालकृष्णा, उस लड़की को बुला के ला। हाँ ठीक है सर। अरे सुनो, पुलिस सर बुला रहे हैं। ये है सर। क्या तुम इसे जानती हो? नहीं जानती सर, मैं इससे आज ही मिली हूँ, आज से पहले कभी नहीं मिली सर। वो जवान लड़कियों को बहला फुसला के उन्हें कहीं दूर ले जाकर उनका बलात्कार करके उन्हें बड़े पत्थरों से तड़पा तड़पा के मार देता है, जानती हो? पता नहीं सर, जब हम दोनों बाहर गए थे तो एक कार आई और वो उसमें बैठ के चला गया। इस बार वो मिले तो उससे किसी भी तरह सब कुछ पता कर लेना, ठीक है सर। समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। ओके जाओ। इसे यहाँ छोड़ कर गया मतलब उसकी कुछ तो प्लानिंग होगी। ये दे मुझे। अभी नहीं होगा यार। अभी आने में क्या प्रॉब्लम है? प्लीज समझने की कोशिश करो, आज मुझे नाइट शिफ्ट है, अब मैं क्या करूं? टिकट खरीदने के बाद तुम मना कैसे कर सकती हो? प्लीज ये आखिरी बार, नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे, प्लीज समझो ना। मतलब तुम नहीं आओगी? मुझे जाना है, कल मॉर्निंग मिलते हैं, मैं चलती हूँ, बाय। हाँ ये क्या, ये अकेला ही क्यों आ रहा है? ये क्या हुआ? आज उस लड़की की नाइट शिफ्ट है भाई। ये क्या, पहले तो उसने हाँ कहा ना। हाँ आने को तो कहा था, ऑफिस जाना है, नहीं होगा ना डार्लिंग, वो बहाने बना रही थी भाई। तेरी तो लड़की ने मना कर दिया, तू आराम से कैसे बैठा है? अरे छोड़ो ना भाई, वो नहीं तो कोई और सही। अभी के अभी लड़की हमें कहाँ मिलेगी? वो राव थोड़ी देर में कॉल करेगा, क्या कहेंगे उससे? तुम किसी बस स्टॉप पे चलो भाई, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ ना भाई। पहले कहते तुम मेरे साथ वाली कोई लेके आ गया होता, उसे लाते तो राव हम लोगों को छोड़ता नहीं, सबको मार देता। चिंता मत करो भाई, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। पहले जब हमें पता चला तो मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन जेन्युइन नहीं है, पर इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते ना तो टारगेट मिस हो जाता। परफेक्ट टाइमिंग थी, राइट सर? या सुपर्ब टाइमिंग। क्या कर रहा है बे? कार रोकिए तो सर, इससे तो मैं ट्रीटमेंट देती हूँ। अरे क्या ट्रीटमेंट दोगी, पहले ही वो मरने की हालत में है। ये ऐसा नहीं मरेगा सर, कार रोकिए तो सही। उसे भी मार दोगी क्या? आप गाड़ी साइड में तो लीजिए। हाँ बोलो। खाना खा लिया? क्या करेगी वो, दिन भर टीवी देखती रहती है। दोनों ने होमवर्क किया? मम्मी पापा है तो मुझे भी बहुत परेशान करती है, आप हो सके तो जल्दी आना। ओके। क्या सोचा था तूने, आसानी से बच जाएगा? पापा कल पेरेंट्स मीटिंग है स्कूल में, इस बार आपको आना ही होगा पापा। ओके मैं आने की कोशिश करूंगा बेटा। हर बार ऐसे ही बोलते हैं, अगर इस बार आप नहीं आए तो प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देंगे पापा। हाँ हाँ ठीक है बेटा। आज मैं तेरा इलाज करती हूँ। पता है तुझे पुराने जमाने में राजा लोग क्या करते थे? लड़कियों की इज्जत लूटने वाले मर्दों को ऐसी ही सजा देते थे जिससे कभी दोबारा वो घिनौना काम ना कर पाए। अब मैं भी तेरे साथ ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ। अब तेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं जागेगी, जब तेरी बीमारी ठीक कर दी मैंने। ऑलरेडी 8:30 हो चुका है, और भी सारे टारगेट्स पूरे करने हैं हमें, जल्दी करो। आज से इसकी सारी मर्दानगी खत्म। 116 लोग हो गए। ओ, अच्छा गिनती भी कर ली तुमने। बोलता क्यों नहीं, इतना मार खाने के बाद भी तुमने कुछ नहीं उगला। परसों तू नहीं आया था ना, हाँ। उस दिन ये लड़की बहुत इजीली मिल गई थी। ए, कितनी बार कहा तुझे फोटो डिलीट करने के लिए? ये बहुत डेंजर है, इससे हम भी पकड़े जा सकते हैं। हमारे यहाँ बैठकर देखने से कुछ नहीं होने वाला भाई, किसी को जाकर उन्हें फंसाना होगा। तुम जाओ फिर। यूसुफगुड़ा जुबली हिल्स चेक पोस्ट, यूसुफगुड़ा जुबली हिल्स चेक पोस्ट, यूसुफगुड़ा जुबली हिल्स चेक पोस्ट। भैया कृष्णा नगर भाई बैठा ले क्या? ठीक है भैया बैठ जाता हूँ। भैया जुबली चेक पोस्ट, इसको कहाँ बैठाएंगे? जगह नहीं है मैडम, दूसरी गाड़ी देख लो। अब हमें इससे क्या काम, यहीं उतार दो इसे। ए, चल उतर गाड़ी से। ये क्या भैया, बात तो कृष्णा नगर की हुई थी ना? अबे उतरता है कि कान के नीचे लगाऊं एक। उतर बे। ब्लड लगने की वजह से कपड़े खराब हो गए सर, गाड़ी रोकिए ना प्लीज। ओके। पर्यावरण प्रदूषण पर रिसर्च कर रहा हूँ। सेवा संस्थान के इस अभिनेता की काफी चर्चा है, इसे भी ट्रैप करना है। इसके खिलाफ कोई भी करेक्ट लीड नहीं मिल रही है यार। ये तो वर्ल्ड फेमस है सर, फिर ये सब क्यों? हाँ ये लड़की बाजी करने में बहुत ज्यादा फेमस है, साल में एक बार मिल गई ना। हो गया सर, चलते हैं। क्या बात है, यहाँ कोई है नहीं? ग्राहक अभी शुरू नहीं हुए सर। 3 प्लेट डोसा देना। हेलो माँ। हेलो। कल पहुँचते ही ड्राइवर को फोन कर देना, ड्राइवर का नंबर एसएमएस कर रही हूँ, उससे बात कर लीजिएगा। हम कल नहीं आ पाएंगे बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ अर्जेंट काम है, परसों आ जाएंगे। क्यों? कल आने की बात की थी, फिर परसों क्यों? हाँ पर कल नहीं होगा बेटा, मैंने टिकट्स बुक कर दी है, ड्राइवर से बात हो गई है और आप परसों कह रही हैं। ठीक है तो हम कल ही आते हैं। ये हुई ना बात माँ। टिफिन लाऊं सर? ठीक है पहले टिफिन खा लो। हाँ ओके सर। फोटो साफ दिख नहीं रही हैं, इसलिए नंबर प्लेट की भी ली है सर। व्हीकल्स नंबर तो करेक्ट है, लेकिन हमारे लिए चेहरा भी इम्पोर्टेंट होता है सर। इस बीच इस एरिया में ये व्हीकल काफी घूम रही है सर। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशंस देते रहना। ठीक है सर। इसमें जो भी व्हीकल्स दिखाई दे रही हैं, जरा पता करो किसकी है। जी सर। खून? लगता है पीछे कोई है सर, चलो चल के देखते हैं। सर ये गाड़ी रंगाराव के नाम पे है। गुड जॉब। थैंक यू। कौन है ये रंगाराव? प्रवीण, कल क्वार्टर में जाके इसके बारे में पता लगाओ। जी सर। आप इसे कब से जानती है? 2 महीने से जानती हूँ। क्या ये आपका क्लासमेट है? नहीं। कोलीग है? नहीं, जस्ट बाहर मिले थे बस। ओके, ये लड़कियों को ट्रैप कर उनका रेप कर देता है, पर इसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक बार पकड़ा गया था पर एक लोकल कॉर्पोरेटर आकर इसे छुड़ा कर ले गया था, इसलिए मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। वो अच्छा इंसान है, लोकल कॉर्पोरेटर ने हेल्प की होगी। आपने इंजीनियरिंग की है और अच्छी जॉब कर रही हैं, आपने भरोसा कैसे किया? हाँ, वो जाल बिछाकर उसके हिसाब से लड़कियों को ट्रैप कर लेता है। आप भी उस जाल में फंस गई है। अगर आपको आपका फ्रेंड सही लग रहा है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। इससे आपकी और हमारी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अगली बार जहाँ लेकर जाएगा आप उसके साथ चली जाना, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इतना डराने के बाद मैं क्यों जाऊंगी? नहीं नहीं, आपके जाने पर ही पता चलेगा ना कि वो कैसा इंसान है। डोंट वरी, आपको हमारी क्राइम टीम फॉलो करती रहेगी। क्या कर रही हो? मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे घर पे हैं, अभी आके मुझे परेशान मत करो। यार केस का बहाना बना के मुझे परेशान मत करिए सर, प्लीज सर, मेरा केस सेटल कर दीजिए। केस क्लोज हुआ तो तू चली जाएगी ना? मुझे पता नहीं है क्या? वैसे भी तेरा पति तो गया ना, वो मिला क्या? उनके कॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। ओके, मास्क गैंग ऑपरेशन का क्या हुआ? उस गैंग को आज श्योरली लिफ्ट करेंगे। ओके, व्हाट अबाउट फार्म हाउस गैंग? ट्राई कर रहे हैं, लिंक्स करेक्ट नहीं हो रहा है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन और चाहिए हमें। 2 डेज में लिफ्ट कर लेंगे। इतना टाइम नहीं है, उस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली पकड़ लेगी। हमें जो करना होगा अभी करना होगा। मॉर्निंग तक कैसे भी इन दोनों को लिफ्ट कर दो। यस सर। आज नहीं आकर वो कमीना बच गया, उसे कल देख लेंगे। जी सर। ए, उसको एक बार फोन कर। हाय कौशिक, लेकर आ रही हो ना? सॉरी, उस लड़की को मैं लेकर नहीं आऊंगी। किसी को भी लेके आ जा, दूसरी लड़की ढूंढ, ट्राई कर। प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ए, किसी तरह किसी को लेके तो आना ही होगा। मैंने बहुत ट्राई किया पर। ए, तुम बहाने मत बना। किसी भी तरह लड़की को लेकर आ, वरना मॉर्निंग तक हर साइट पर तेरे सब वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। प्लीज ऐसा मत करना। अभी मेरे साथ एक लड़की है, अगर तुम कहो तो मैं उसे ला सकती हूँ, पर तुम्हें उसे हैंडल करना पड़ेगा। जैसे तुझे हैंडल किया ना, वैसे ही उसे हैंडल करेंगे। लगता है मेरी बहन बाहर गई है, उसके आने के बाद हम चलेंगे। ओके श्योर। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? एनीथिंग फॉर मी। मैं जूस लेकर आती हूँ, तुम बैठो। ओके। जूस। थैंक यू। तुम जूस पियो, मैं भी आती हूँ। ओके। ओए हाय, ओह जलवा है यार। पियो 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 पियो। शिट, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। लगता है उसे अब हमारा स्टाइल दिखाना ही पड़ेगा। लेट्स ऑफ, चल अब इससे पता चलेगा हम क्या हैं। चल। मुझे कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? कौन मारा मुझे? कौन मार रहा है मुझे? कौन मार रहा है मुझे? अरे मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है भाई। किसी ने कुछ किया है हमारे साथ। अरे ये क्या हुआ? ऐसे क्यों गिरा हुआ है? अरे यहाँ पर कुछ हो रहा है। श्रेया, 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 शिट, श्रेया, श्रेया, ओह, शिट। क्या है? क्या किया तूने हमारे साथ? अरे श्रेया ने किया है, वो हमें ट्रैप कर रही है। चल यहाँ से, चल, चल, चल। छोड़ मुझे। कहाँ जा रहा है? राकेश शूट कर इसे। ये तू क्या कर रहा है? ये हमारा काम है। सर छोड़ दो सर, प्लीज सर। उठ रहे? प्लीज सर उठ ना, छोड़ दे तुझे। हाँ छोड़ दे, उठ। प्लीज सर, सर लगता है इसने ड्रग्स लिए। सर कितनी लड़कियों का रेप किया तूने? हाँ कितनी लड़कियों को मारा है? बोल ना, देख क्या रहा है बे? हाँ गोली से उड़ा दूंगी। हे दुर्गा, डोंट शूट हिम। तुम लोग इसका ट्रीटमेंट चालू रखो, हम हाउस चेक करके आते हैं। ये बॉक्सेस क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तुम अच्छे से जानते हो। अब तक तुम लोग स्टिमुलेटिंग के लिए यूज किया करते थे, अब तुम्हारे सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए करोगे। लो इसे, लो, तुम भी लो। हे, क्या मरा क्यों? अच्छा नहीं लग रहा यार। तू ही आ यहाँ। उठ बे, उठ। ले इसे, ले इसे, ले। उठ बे। सर प्लीज सर, ले इसे, सर, ले इसे, ले। सर प्लीज सर, उठ साले। हे Fast, come on! उठ, उठ, सर। जल्दी कर साले, उठ। उठ जा। ए। उठा, उठा जल्दी, नहीं तो मार दूंगी गोली। राधा का रेप 25 लड़कों ने मिलकर किया सर। ये सब देखने के बाद दिल कर रहा है कि इन्हें अभी मार दूं। इन्हें तो मैं। रुक जा दुर्गा, हमारा ट्रीटमेंट इससे भी भयानक होगा। पुलिस के आने का टाइम हो गया है, जल्दी उठाओ उन्हें यहाँ से। शायद मास गैंग वालों के घर के पास गाड़ी रुकी है। वो पक्का पुलिस वालों की गाड़ी होगी। सर जिस मास गैंग पर हमने नजर रखी थी वहां एक लाश मिली है सर। गुड। सर मेरे आने से पहले एक व्हीकल पास हो रही थी। मुझे उनके ऊपर ही डाउट है सर। कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे दो। सर, यहाँ एक लैपटॉप मिला है सर, जिसमें बहुत सारी लड़कियों के सेक्स वीडियोस है सर। फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो। उस घर से जाने वाले ने ही ड्रग्स लिया होगा। सर ठीक है सर। देख, तेरी वजह से वो राव परेशान हो रहा है। हाँ सर। क्या हुआ? अभी काम नहीं हुआ सर। डोंट वेस्ट टाइम, लेडीज हॉस्टल की तरफ जाकर देखो। तेरा असिस्टेंट सही वर्क नहीं कर पा रहा है शायद। हो जाएगा सर, हाफ एन आवर में आपके सामने रहेंगे। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ओके। क्या बोल रहा है भाई आपका सर? कि तुम लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हो। खुद को क्या समझता है वो राव? आपका टेस्ट कोई मामूली टेस्ट है क्या? पहले वाली लड़की नहीं चाहिए, पैसे नहीं देना है। ऐसे लड़कियों को भरोसा दिलाकर गाड़ी में लाना कोई मामूली बात है क्या? बचा लो, बचा लो। क्या बोल रहे हैं तुम्हारे नित्या भोगानंद स्वामी? वो ऑडियो प्ले करना। वो बालिका कब तक आ रही है? कल सुबह 6 बजे आ जाएगी। आप उसे अपने शरण में ले लीजिए। शरण में नहीं, मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे भक्ति का मार्ग दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। श्रृंगार को श्रृंगार से ही करना चाहिए। हम योगियों के अलावा ये रहस्य और किसी को नहीं पता। हमारे साफ कहने पर सब हमें गलत समझते हैं। हम साधुओं पर कोई विश्वास ही नहीं करता और जेल में ही डाल देते हैं। सर, बहुत देर से आश्रम के पास स्कॉर्पियो खड़ी है सर। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, गाड़ी नंबर 1717। ये व्हीकल स्वामी जी के आश्रम के पास क्या कर रही है? सर, कांस्टेबल संजय रिपोर्टिंग सर। मतलब मास गैंग हाउस के पास वाली व्हीकल यही है क्या? एक बार जूम कर। नंबर प्लेट दिखाओ। क्लैरिटी नहीं है। पर तुम्हारी तरह समझने वालों को ये सब सिखाऊंगा, सारे रहस्यों को मैं बताऊंगा। वो लोग कर लेंगे स्वामी जी। उनके लिए तो हम कर रहे हैं, उनसे हम ये योगा जरूर करवाएंगे। इसका मतलब ये हमें कल मिलेगा। इसे देने वाला पनिशमेंट बाकी स्वामियों को भी भेजेंगे। सेक्स का नाम सुनते ही उन सालों को डर लगने लगे। उन बदमाशों को मैं हैंडल कर लूंगी सर। उसे हैंडल करने के लिए बहुत लोग हैं। सावधान रहो। इस केस में कुछ पता चलते ही हम सबको अलर्ट कर देना। ओके सर। ये क्या है? खून। कोई बात जरूर है। हाँ बोलो। सर, आपने जो घर बताया था वहाँ से कुछ अलग ही आवाज आ रही है सर। घर में कोई गया क्या? नहीं सर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तब तक कौन आ रहा है कौन जा रहा है नजर रखो। ओके सर। ओके। बचाओ। मास गैंग का टारगेट हो गया, स्वामी जी का टारगेट हो गया, इसके बाद 4 टारगेट्स हैं। अब इनमें से एक जगह पक्का व्हाइट स्कॉर्पियो आएगी। तुम लोग ठीक से नजर रखो। ओके? ओके सर। ए, इधर आ। यहाँ स्कॉर्पियो थी, कहाँ है? अभी चली गई सर। पीछे किसी का हाथ लटक रहा था, जैसे किसी को मार के रखा गया हो। कितने लोग थे उसमें? 3 या 3-4 लोग थे सर। वो लोग किसी से मिले थे क्या? कार में 4 लोग थे सर। बाहर से एक लड़की आई थी, उस लड़की को आते वक्त देखा पर जाते वक्त नहीं देखा सर। करेक्ट बताना। करेक्ट है सर, 4 लोग थे सर। 4। ठीक है, तुम जाओ। अंदर से छोड़ो मुझे। चल जल्दी कर, जल्दी। कौन हो? अरे दरवाजा लगा। प्लीज छोड़ो मुझे। क्या कर रहा है? चल जल्दी जल्दी। नहीं। ओए छोटू, एक चाय ला। क्या भाई, तुम क्या करते हो? रोज इसी टाइम ऑटो लेके निकलते हो। ए, तू पहले चाय लेकर आ। नमस्ते सर। साउथ के फार्म हाउस की इन्फॉर्मेशन क्या है? साउथ के सारे फार्म हाउस की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास सर। उनमें से 3 फार्म हाउस डाउट में है सर। वहाँ रेगुलरली एक व्हीकल आती रहती है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है सर। तो फिर बाकी के साइट्स के फार्म हाउसेस की इन्फॉर्मेशंस? 2 दिन में दे दूंगा सर। उतना टाइम नहीं है, कल सुबह तक चाहिए। हम यहीं आसपास रहेंगे, बाद में मिलते हैं। ओके सर। चलता हूं सर। चलो चलते हैं। ओके सर। माधापुर में दिया हुआ व्हीकल नंबर और अभी वाला व्हीकल नंबर दोनों को मैच करो। ओके, अगर इस गाड़ी को पकड़ लेते हैं तो फार्म हाउस तक जा सकते हैं सर। कभी इसे ढंग से देख लिया होता तो। सबने तो देख लिया होगा। देखते हैं तो देखने दीजिए सर, डर गए होंगे वो भी। अंदर घुसा होगा, ना घुसे तो काट दो। Guys, awesome place, dude. It was like a hill station. Sexy girls and freaking life, dude. Yes, सही कहा। तुम दोनों सही बोल रहे हो। कभी lose, कभी high, have fun and then come back. Every week यही काम। हमें तो come in hostel, no restrictions. Night में कौन किसके रूम में होता है पता ही नहीं होता है। Morning, अरे मैंने तो कॉलेज में स्पोर्ट मीट्स के वक्त मस्त फिगर के साथ एंजॉय किया। तुम लोग मेरी बात नहीं सुने। हाई फाइव फिगर डूड, सुपर सेफ, सुपर सब कुछ। लवली ब्रो, टू मच ब्रो। वन सेक, गोना मेक अ कॉल। हाँ, हेलो ग्रैंडपा, व्हाट्स अप? फाइन। डिस्टर्ब किया ना? नहीं बेटा, अभी जिम हुआ, फ्रेश होने जा रहा हूँ। लड़की आई क्या? अभी तक तो नहीं आई। और तुम अब तक क्या कर रहे हो? कहाँ हो? आई एम ऑन माई वे दादू। पर कहाँ? हमारे फार्म हाउस के लिए दादू। इस टाइम फार्म हाउस आने के लिए मैंने कितनी बार मना किया तुमसे? नहीं तो एक काम करो, कल इसी टाइम पर आना। रोज रोज आने से तेरे बाप को हम पर शक हो रहा है। और मेरी बात सुन, वापस लौट जा। व्हाट ग्रैंडपा, ऑलरेडी फ्रेंड्स को जबान दे दिए, कम ऑन। तुझे ही मना कर रहा हूँ और तू फ्रेंड्स की बात कर रहा है। प्लीज बस एक बार एक्सक्यूज कर दो ग्रैंडपा। ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट मत कर, मेरी बात ध्यान से सुन। अर्ली मॉर्निंग आ, एक काम कर, वापस लौट जा। बाय। व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम ब्रो? ग्रैंडपा जाने के लिए मना कर रहे हैं बट वी आर गोइंग। बट लड़की है या नहीं यार? शायद हम रात में लौट रहे हैं इसलिए ग्रैंडपा, इसलिए शायद झूठ बोला उन्होंने, बट लेट्स सी। अगर लड़की नहीं है तो जाने से मतलब क्या है? लेट्स ब्रो, लेट्स गो एंड सी व्हाट्स देयर। ओके गाइस, व्हाट्स देयर? या ओके, चीयर्स। फिजिकल ट्रेनर के साथ स्टार भी बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। आप कहे तो मैं सबको ट्रीटमेंट दे दूं सर? अगर ऐसा है तो वो प्रिंसिपल क्या कर रहा होगा? उस प्रिंसिपल को भी ट्रीटमेंट देते हैं और उसे हमारे लॉकअप में लाकर उससे भी पनिशमेंट देते हैं। अगर वो लड़की ट्रैप में फंस गई तो सबके बारे में आसानी से पता चल जाएगा। उस लड़की को अच्छी ट्रेनिंग दी है सर, वो किसी को भी हैंडल कर सकती है सर। Hey, you seen there? She's hot. She's hot. Yes, boss, sexy. Lift देते हैं bro. लिफ्ट कर लेते हैं ब्रो। ये दादू के पास भी लड़की नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो भाई? लड़की उठानी जरूरी है क्या? यू आर राइट ब्रो, अब तक लड़की देखी है, आज इसको ट्राई करते हैं। ओके, रेडी गाइस? लेट्स गेट हर गाइस। हे, क्या प्रॉब्लम है? व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रही है। राम? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। रेडी? सॉरी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैकेनिक ही चाहिए। मॉर्निंग तक उसका आना मुश्किल है। इट्स ओके। ओके, डू यू नीड लिफ्ट? थोड़ा आगे ड्रीम वैली तक ड्रॉप कर देंगे क्या? या श्योर। वन सेकेंड। एक्चुअली मैंने फॉर्च्यूनर व्हाइट कलर के अलावा कोई और कलर नहीं देखा। या आई लव फॉर्च्यूनर, माय ग्रैंडपा गिफ्टेड मी वंस एंड व्हाइट इज सेक्सी। लड़की लेकर आ रहे हैं, ये ग्रैंडपा को बोल दे, उनसे कहेंगे तो वो मना करेंगे। पर आज कोई नहीं आया। ऐसे पूछ तो ग्रैंडपा भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। ए रुक जा, गाड़ी रुका बे साले, गाड़ी रुका। ए मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जा, नहीं तो चला दूंगा। ए बिना हिले चुपचाप बैठ जा। ए इधर देना, क्या है तेरे पर्स में? ये क्या गन कैरी कर रही है अपने साथ? कौन है ये? अरे ब्लूटूथ क्यों ऑन करके रखा इसे? भाई इसे बाहर फेंक दे एंड स्विच ऑफ फॉर ब्लडी मोबाइल। इतना साइलेंट क्यों हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। भाई तू गाड़ी स्पीड में भगा। लिली सिग्नल नहीं है शायद, हवा का साउंड आ रहा है, इसका मतलब बाहर फेंक दिया गया। छोड़ो मुझे, छोड़। हे, आईडी कार्ड पर तो एचआर मैनेजर लिखा है, मतलब नाइट ड्यूटी वाले गन्स भी कैरी कर रहे हैं क्या? आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो अभी स्विच ऑफ है। फोन भी स्विच ऑफ है। अब क्या करेंगे सर? इसी हाईवे पे सर्च करेंगे। अब कितना भी दूर जाएं वो हमें नहीं मिलेंगे सर। पीछे जाने से शायद कुछ मिले, रिवर्स जाते हैं, शायद कुछ क्लू मिल जाए। कहाँ होगी? नॉर्दर्न फार्म हाउस के पास सर। क्या तुम्हें व्हाइट कलर की कोई फॉर्च्यूनर दिखी? व्हाइट कलर फॉर्च्यूनर? नहीं सर, हमसे लिली मिस हो गई है, उसको ले जाने वाला शायद यहीं कहीं आसपास होगा। यहाँ से तो कोई व्हीकल नहीं आई, पर शायद वो लोग साउथ के फार्म हाउस के पास गए होंगे। ठीक है, तुम हाईवे पे आके तुरंत मुझसे मिलो। ठीक है सर। टीम में डिवाइड होकर अटैक करते हैं। ओके सर। अब चला साली, उठ उठ। हे अभिनव, हे राम, इसका रेप करेंगे अब। प्रवीण तुम लेफ्ट से अटैक करना। ओके सर। मैं और दुर्गा राइट से अटैक करेंगे। कम ऑन। कौन है ये? इसने इसकी गर्दन मरोड़ दी। मदन रुक जा, पहले इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। चल कम ऑन। क्या हो रहा है? कौन है ये? पता नहीं, नॉर्थ में लिफ्ट करके लाए थे और ये इतना नॉनसेंस क्रिएट कर रही है। छोड़ दे इसे, हम देख लेंगे इसको। नहीं, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। ए, इससे हम लोग खुद निपट लेंगे भाई, आप टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे। रंगा कम ऑन, पहले इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। पहले आप यहाँ से जाइए। मदन अरे बाप रे, लिली आर यू ओके? आर यू ओके लिली? हाथ में ही चोट लगी है या कहीं और लगी है? नहीं सर, सिर्फ हाथ पर ही, पर 3 लड़के बच के भाग गए सर। आर यू श्योर? यस सर, मुझे 4 लोग लेकर आए थे, फिर यहाँ 3 थे। सो अगर यहाँ 4 है तो 3 लोग बच के भाग गए सर। उनको हमें किसी भी हालत में पकड़ना होगा। एक काम करो, तुम लिली को गाड़ी में ले जाके इसका फर्स्ट एड करो, तब तक हम उन्हें पकड़ते हैं। दुर्गा इन डेड बॉडीज की फोटो लो। ओके सर। इन्हें पहले नहीं देखा, सारे चेहरे नए हैं। हमें उन तीनों को पकड़ के अपने रिहैब सेंटर में ले जाना पड़ेगा। वो लोग उन टारगेट्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं? उन्हें आश्रम के बाहर इंफॉर्मेशन देने वाला कौन हो सकता है? क्या वो नेक्स्ट टारगेट्स को भी फॉलो करेंगे? वॉचमैन, वॉचमैन, ऑफिस में कोई आया है क्या? नहीं सर। कोई डुप्लीकेट की है? हाँ सर। लेकर आओ, देखते हैं वहां क्या है। जी सर। दरवाजा खोलो। फर्स्ट एड किट दो। जी सर। मैडम, ये पानी लीजिए। ए, गाड़ी रोको। और सेट। सर, यहाँ कोई है। हाँ, कोई तो है। चलो देखते हैं। जी सर। सर, वहाँ कोई है सर। चलो पकड़ते हैं उसे। मैं पुलिस हूँ, तुझे बचाने आया हूँ। ये बच के कहाँ जाएगा? छोड़ो, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या हो रहा है? कमिश्नर को और डीजीपी को कॉल करूंगा। डीजीपी को कॉल करेगा? भाग क्यों रहा था? बेकसूर है तो घर में बैठ सकता था ना। अरे शूट आउट की आवाज आने के बाद कोई कैसे बैठ सकता है? हाँ, तुम लोग मुझे जितना परेशान करोगे उतना स्ट्रांग केस होगा तुम पर। आखिर तुझे क्या कह रहे हैं हम? ये मरने वाले कौन है? इनके साथियों को बुला। जल्दी फोन कर। बुला, फोन कर। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? ए, केवीराव तेरा बेटा है क्या? हाँ, यस। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं अकेला रह रहा हूँ। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन करता हूँ। एक किसे फोन कर रहा है? चल चल यहाँ से। छोड़ दो मुझे। देखो, तुम्हें जो चाहिए वो सब दूंगा। ए, मुंह बंद कर और चल। वैसे तुम्हें आ जाने के लिए किसने कहा था? बिताने के बाद लड़की को संभाल कर रखना चाहिए था। वो सब छोड़ो, अब क्या करना है बोलो। तुम्हें कितनी बार मना किया कि शूट मत किया करो। सब ऐसे ही शूट करते रहोगे तो पनिशमेंट किसे मिलेगी? हाँ, हमारा रिहैब सेंटर खोलने का फायदा क्या? फिर गोली डेड पॉइंट के पास लगी है। ए, बाकी लोग कहाँ हैं तुम्हारे? बताना। थोड़ी ही देर में ये मर जाएगा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पुलिस के आने का वक्त हो रहा है। चला रही हो गोली? जरूरी था क्या मारना? फॉलो मी। जिंदा बच जाता तो? वो लोग अब हमारा पीछा करेंगे। हाँ, अब हम क्या करें? हाँ, तुम्हारे पापा को फोन करो, उनकी मदद चाहिए यहाँ से निकालने के लिए। हाँ। अरे कौन फोन कर दिया यार? अभी? अरे ये कोई टाइम है फोन का? डैड, यहाँ कोई हमें मारना चाहता है और मेरे फ्रेंड्स को भी मार दिया है। ये बताओ तुम हो कहाँ और वो तुम लोगों को मारना क्यों चाहते हैं? मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके आ रहा था, हमें किसी ने फॉलो करके अटैक किया। हमारे फार्म हाउस वाले जंगल में हूँ। तो इस समय ग्रैंडपा कहाँ है? रंगा तो ग्रैंडपा के साथ ही है ना? ग्रैंडपा फार्म हाउस में हो और रंगा मेरे साथ है। रंगा को जल्दी फोन दो। हाँ डैडी दे रहा हूँ। हाँ सर। रंगा अभिनव को वहाँ से सुरक्षित निकालो। मैं मेरे दोस्त कमिश्नर को फोन करता हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अभिनव को लेकर के किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में चले जाओ। जी सर। पास वाले पुलिस चौकी में जाने को कहा है। ग्रैंडपा किसी मुसीबत में होंगे। छोड़ दो मुझे। चल बैठ। क्यों चिल्ला रहा है बे? एक मिनट रुकिए। आनंद, अभिनव को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। मारना चाहता है? कौन मारना चाहता है? ऐसा क्या किया उसने? अभी कहाँ है वो? हमारे फार्म हाउस वाले जंगल में है वो। वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था और उसे किसी ने फॉलो करके अटैक कर दिया। डोंट वरी, वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे उसका गाड़ी नंबर दो, मैं उसे कैसे भी बचा लूंगा। मेरे पापा को भी, उसी फार्म हाउस में है वो। और प्लीज मेरी फैमिली को कैसे भी बचा लीजिए। केवी डोंट वरी, मैं देख लूंगा। तुम्हारा परिवार सेफली घर पहुंच जाएगा। तुम्हें जो भी पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। हेलो सर, आईबी स्ट्रीट फार्म हाउस के पास बहुत गड़बड़ हो रही है सर। घबराओ मत और ठीक से बताओ। सर बहुत डर लग रहा है फार्म हाउस में सर, बहुत गोलियां चल रही हैं। और हमको बहुत डर लग रहा है सर। एड्रेस ठीक से बताओ। आईबी स्ट्रीट सर। ठीक है मैं देख लेता हूँ। हेलो, मैं क्राइम ब्रांच से डीसीपी नरसिम्हा बोल रहा हूँ। तुम खतरे में हो, ऐसा तुम्हारे पापा ने कमिश्नर सर को कंप्लेंट दी है। तुम्हारे डैड ने हमें तुम्हारा नंबर दिया है तुम्हें बचाने के लिए। कहाँ हो तुम? हाईवे की तरफ जा रहे हैं। मेरे कॉल करने पर तुम लोग रोड पर आ जाना। तब तक ध्यान रखना, किसी का भी कॉल मत उठाना। ओके सर। क्या बोल रहे थे? वो कमिश्नर अंकल ने अपने डेप्यूटी ऑफिसर को कहा था, उसी ने कॉल किया था हमें बचाने के लिए। बड़े सर किस हालत में हैं? उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। डीसीपी से मिलते ही उन्हें लेकर ग्रैंडपा के पास जाएंगे। ठीक है? ओके चलो। केवीराव के फादर को पकड़ लिया सर। गुड। ओके लिली, आर यू ओके? ओके सर। फॉलो मी। इस मोबाइल में बुड्ढे के सबूत हैं सर। वेरी गुड। इसको होश में लाने की कोशिश करो। ओके सर, देखते हैं सर। लिली। हाँ सर। आर यू फीलिंग नाउ? थोड़ा दर्द है सर, फिर भी चलूंगी सर पनिशमेंट देने के लिए। गिरी, लिली को किसी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। बाकी का काम खत्म करके हम भी हॉस्पिटल आते हैं। ओके सर। ए, उठ, उठ बोल। ये सब कौन है? बोल बोल, बता कौन है ये लोग? बता बता। सोच क्या रहा है? बताना कौन है ये? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ना। बता रहा हूँ, नहीं पता। कौन है ये लोग? अभी चुप रहेगा तू? थोड़ी देर में सब उगल देगा। लिली, टेक कंप्लीट रेस्ट। कल मॉर्निंग में हम लोग आके मिलेंगे। ओके सर। गिरी, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कॉल करना। जी सर। सर, यहाँ तो लाशें मिली हैं और दो कार भी है और एक लड़की भी बेहोश पड़ी है सर। हेलो, आप लोग कहाँ हैं? सर मैं वो रोड के पास में ही हूँ सर। रोड पर आ जाइए। आ रहे हैं सर। Get in. हेलो सर, फार्म हाउस गैंग ट्रैप ऑपरेशन में हमारे लिली के हाथ में गोली लग गई है। 4 मारे गए हैं सर और 3 भाग गए। लिली की हालत कैसी है? ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है सर, उसे हॉस्पिटल में ले गए हैं। ओके, उन तीनों को कैसे भी ढूंढो। श्योर सर। वो फार्म हाउस किसका है? इंडस्ट्रियलिस्ट कीवी राव का। मैं पूरी इंक्वायरी करके आपको कंफर्म करता हूँ सर। 1 मिनट वेट करो। केवी राव ने कॉल किया था। भागने वालों में से एक उसका बेटा है। ओके सर। फार्म हाउस में उसका फादर भी है। केवी राव के बेटे का नंबर तुम्हें एसएमएस करता हूँ। ओके सर। कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, सबको पकड़ लो। वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? आखिर बात क्या है? देखो, 15 मिनट में तुम्हारे पापा की बताई जगह पे तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं भी जा सकते हो। क्या हुआ था वो तो बताओ। क्या सर? लड़की के पीछे पड़े होंगे और जब उसे कोई बचाने आया होगा तो बच के भाग रहे होंगे। वो ब्लड ही है रे। कौन है ये? दादा, दादा कौन है आप लोग? प्लीज हमें छोड़ दीजिए। मेरे डैडी आपको जितना चाहिए उतना देंगे, आपको जो चाहिए वो देंगे, पूरी जिंदगी देंगे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज। ओके, जानबूझ के तुमने गलत काम किया। अब पकड़े जाने के बाद तुम दोनों को गिल्टी फील हो रही है। और वैसे भी तुम जैसे अय्याश लोगों को फर्क क्या पड़ता है? तुम जैसों को तो बस पैसों की गर्मी रहती है। कोई बात नहीं, क्या गलत है क्या सही है अब तुम्हें पता चलेगा, ताकि लाइफ में आगे कोई गलती ना कर सको। और करोगे भी नहीं, कभी नहीं करोगे। वो बगल वाला कौन है? वो कौन है ये? है? मेरे दादा का ड्राइवर रंगा राव ने खुद के नाम पे नहीं, ड्राइवर के नाम पे गाड़ी रजिस्टर करवाई थी, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। कौन है तू? मैं स्कूल में पीटी का सर था। कुछ लोग पुलिस बनकर स्कॉर्पियो कार में है और कहा एक कंप्लेंट है तुम पर, और स्कॉर्पियो में बैठने को कहा। पीटी बाबू राव तुम ही हो ना? हाँ सर। क्या हुआ सर? तुम्हारे नाम पे एक कंप्लेंट दर्ज हुई है। गाड़ी में बैठो, इंक्वायरी करनी है। बैठो। ओके सर। चलो चलते हैं, चिंता मत करो। चलो अंदर आओ, चलो बैठो। किस गांव से हो तुम? कब से स्कूल में काम कर रहे हो तुम? कब से काम कर रहे हो? उस लड़की के साथ क्या किया? बोल, उस लड़की के साथ किया क्या? बोल। और यहाँ लाकर बांध दिया सर। कैसे हो सर? कैसा लग रहा है आज? सर छोड़ दीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ क्यों छोड़ दूं तुझे? सर मुझे छोड़ दीजिए सर। कितना भी छुटा ले तो उससे छूट नहीं पाएगा। जरा देखो इसका क्या हाल है। ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी तेरी। सर छोड़ दीजिए सर, सर 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 छोड़ दीजिए सर। कुछ दिन रहेगा तो सारी आशाएं टूट जाएगी। हाँ छोड़ता हूँ सर, मुझे जाने दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, सर सर प्लीज सर। चल इसमें अपना फीडबैक लिख। फीडबैक लिख। मैं कल फिर आऊंगा, समझा ना? सर 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 से कहा था मैंने फीडबैक लिखने को, लिखा? सर 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 तूने अभी तक फीडबैक क्यों नहीं लिखा? क्या लिखूं सर? तुझे जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो काम कर रहा है या नहीं? सर लिख इसे, कल मैं फिर आऊंगा। सर सच में मैंने कोई गलती नहीं की सर, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। सच बताओ। उन कमरों में काफी बॉडीज हैं सर, सब सड़ गई है, मुझे बचा लीजिए सर। आखिर हो क्या रहा है यहाँ? इसमें पता नहीं और कितनी बॉडीज है। सर छोड़ दीजिए सर। हेलो श्रीनिवास। सर इस घर में इंसानों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं सर। लड़कियों के भी बॉडीज हैं क्या? लड़कियों की कोई बॉडी नहीं है सर। ओके। ये टॉर्चर केस है सर, ये देखने के बाद लगता है कि हमारा कोई पुलिस ऑफिसर ही करवा रहा है सर। जब तक सबूत नहीं मिल जाता है केस डिटेल सीक्रेट रखना। ओके सर। उन सबको हमारे हाइडिंग प्लेस पर लाकर उनसे पूछताछ करो। ओके सर। अगर वो इतना कर रहा मतलब उन लोगों ने जरूर कुछ किया होगा। ओके सर कर दूंगा। बाकी की डेड बॉडीज का क्या करूं? तुम सुबह 5 बजे ऑफिस आकर मिलो। ओके सर। कुछ डिस्कस करना है। ओके सर। यहाँ से किसी को जाते हुए देखा तुमने? नहीं। ए, सो रहा है, चल उठ, गाड़ी को रिवर्स मार जल्दी। वॉचमैन, वॉचमैन। ओके सर, यहाँ से जाइए। निकल, चल, निकल। टूलकिट लेकर आओ। ओके सर। चल साले चल। तुझे भी तो अपनी इच्छाओं पे काबू रखना चाहिए था ना, पर तूने तो नहीं रखा। लोग अपनी काम वासना को योग के द्वारा काबू रखते हैं, लेकिन तूने तो योग का भी फायदा उठाया है। सर सर प्लीज सर उन्हें छोड़ दीजिए सर, उन्हें कुछ नहीं पता। प्लीज सर आपको जो चाहिए वो सब दूंगा सर, सर प्लीज। खोल बे, खोल। सर प्लीज, सर प्लीज उसे छोड़ दीजिए सर, वो दुबई में रहता है सर, सर प्लीज उसे कुछ नहीं पता। तुम जाके उसे देखो। ओके सर। उसे छोड़ दीजिए सर प्लीज, उसे कुछ नहीं पता सर, छोड़ दीजिए उसे। ठीक से। अरे छोड़ दीजिए सर उसे। अरे छोड़ दीजिए सर उसे, उसे कुछ नहीं पता सर, वो बच्चा है सर, बच्चा। प्रवीण, दुर्गा। यस सर। प्रवीण, इसका पैंट खोलो। दुर्गा, इसका हाथ पकड़ो। सर वो भाग गया सर, जाओ जाके उसे पकड़ो। हाँ ओके सर। उसे स्टेशन लाने के बाद सीपी सर को फोन करते तो अच्छा होता। हमें क्यों पड़ना सुबह सुबह इस झंझट में। सुबह 5 बजे तो मिलने के लिए कहा है ना सीपी सर ने। पर बोलूं क्या। और हाँ, ये सुबह 5 बजे मीटिंग रखने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। उस स्कॉर्पियो टीम ने ही पक्का पीटी सर को पकड़ा होगा, मुझे उन पे पहले से ही डाउट है। हमारे टारगेट के बारे में उन्हें पहले से ही पता चल रहा है। पीटी सर के हिसाब से पुलिस वाले भी उसमें शामिल है। देखो, एक को यहीं छोड़ दिया है। भाई हाँ, ये तो मर गया है। हाँ बोलो कपाली। सब आधे काम कर रहे हो, एक को यहीं छोड़ गए हो। ये यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है, उठाकर बावड़ी में फेंक दो। मुझे जो करना है वो पता है, तुम जो काम करते हो उसको करेक्ट करो। कपाली का फोन था सर। हमने जो बॉडीज लिफ्ट की थी बावड़ी के पास से, उठाकर फेंकने को बावड़ी में कह दिया। भाई इसे उठाना जरूरी है क्या। अरे हाँ, बावड़ी में फेंक दे रहे हैं। ठीक है भाई, जाकर चाकू लेकर आ। आज का स्कोर बताओ। Dead 2, alive 4। Dead 7, alive 6। Dead 1, alive 2। Minimize the death count, increase the alive count। तुम सबको पता है, अगर एक बार में जान चली गई तो वो अपनी गलती कैसे रियलाइज करेंगे। हमारा ग्रुप बहुत कमजोर है, हमारे सेवा संस्था में कमिटेड मेंबर्स को और जोड़ना होगा, बहुत जगहों पर स्थापित करना होगा। 7 to 4 डिस्पॉस। यस सर। Other team, please. Five minutes. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये अभी जॉब में ज्वाइन हुई है, बहुत अच्छी सर्विस है, बड़े पोजीशन तक पहुंचोगी। सर मैं अपनी इस जॉब से बहुत खुश हूँ, फिर मैं ट्राई करूंगी। श्रीनिवास नरसिम्हा। सर नाइस मीटिंग यू। सर मैं जानता हूँ सर। दुर्गा हाय। प्रवीण हाय। हाय नरसिम्हा, डोंट हेट देम सेपरेटली। तुम्हारी आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए। उस भागने वाले पीटी को पकड़कर हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखो। श्योर सर। काम पूरा करो संभल के। यस सर। कोई प्रूफ नहीं मिलना चाहिए। बी केयरफुल। यस सर। तुम जाओ, कल मिलते हैं। ओके सर। फॉलो मी। सर तो इन सबके पीछे सीपी था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रात में होने वाला इंसिडेंट बताओ। एपीएचपी सेक्टर 4 में घर में चोरी हुई। उस घर में महिला पर अत्याचार करके भागने का आरोप है। बालनगर सेक्टर 6 में 13 साल की बच्ची के साथ रेप करके आरोपी के भागने का आरोप है। एनी कैजुअल्टीज? मेडचाल हाईवे पर टैंकर कार का मेजर एक्सीडेंट हुआ है सर। कार में सवार 3 लोग मर गए और उसका ड्राइवर फरार है। सर कमिश्नर साहब। यस सर। हाँ नरसिम्हा बताइए सर। जीडी मेटला केस पता है ना? यस सर। नेक्स्ट उन्हें ही लिफ्ट करना है। ओके मीट यू टुमारो। ओके सर ठीक है सर। ओके कल दिन में आऊंगा मैं। अंडर सर्कल टीसीआर बुलाओ। ओके सर। बस 7 साल में रिटायर हो जाऊंगा, बट आई एम नॉट हैविंग सर्विस सेटिस्फेक्शन। स्पेशली विमेन्स प्रोटेक्शन में तो नील। शुरू की सर्विस में मैं एक रेप एक्यूजन को पकड़ने पर एक गली लेटर देकर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो बच गया। तब से स्टार्ट होकर ये सोसाइटी स्थापित करने तक मुझे कोई जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मेरे जैसे यहाँ कई ऑफिसर्स एंड कांस्टेबल्स को सेटिस्फेक्शन नहीं है। लगातार कॉम्प्रोमाइज करके जॉब कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलकर ही एस्टेब्लिश हुई है ये व्हाइट टाइगर सोसाइटी। इनमें 7 to 4 एंड 4 to 7 टीम्स विल डील रेपिस्ट एंड अदर टीम विल डील अदर क्राइम्स। मेरे पूरे सर्विस पीरियड में अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देख कर ही मैंने ऐसा स्टेप क्यों लिया सोचो। हम जो सेवा डायरेक्टली नहीं कर सकते उसे इनडायरेक्टली करके करेक्ट कर सकते हैं। यू टू ज्वाइन आवर व्हाइट टाइगर सोसाइटी। सर ये क्या है सर? हमें पर्सनल लेने से मना किया और आप। मैं उन्हें मार नहीं रहा हूं, मैं उन्हें ट्रीटमेंट दे रहा हूं बस। सर आज हम आपके साथ रहते हुए भी आपको नहीं जान सके। जब मेरी बेटी 6 में थी तो पेट में दर्द होने की वजह से उसे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। वाइफ उसे हॉस्पिटल लेके गई, तभी डॉक्टर ने कहा कि शी इज रेप्ड। माय मिसेस इज टोटली शॉक्ड। क्या कर रहे हैं उसे समझ नहीं आ रहा था। मुझे पुलिस कंप्लेन करने के लिए फोर्स भी कर रही थी। मैं पुलिस ऑफिसर होते हुए भी जानता था कि पुलिस में कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। तभी मैंने उसके बारे में पर्सनल इंक्वायरी की तो पता चला कि उसके स्कूल में पीटी ने ये काम किया है। तब से मैंने माइनर लड़कियों के साथ ऐसा करने वाले टीचर्स की पर्सनली लिफ्ट करके उन्हें ट्रीटमेंट दे रहा हूं। चलो ठीक है, कल सुबह मेरे बेटी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। ओह ओके। कल मेरे पेरेंट्स गांव से आ रहे हैं सर। मॉर्निंग शूटिंग रेंज जाकर शूटिंग प्रैक्टिस करना है सर। हमेशा ड्यूटी ही करोगे या शादी भी करोगे? रिश्ते देख रहे हैं सर, लड़की भी लड़के को पसंद करे ना सर। बरकतपुरा चलोगे? 350 होगा। 150 दूंगी। नहीं होगा मैडम। 200 दूंगी। सॉरी मैडम। बरकतपुरा चलोगे? जी मैडम। बरकतपुरा चलूंगा। 250 होंगे मैडम। 180 दूंगी। ठीक है, 200 दे दीजिएगा मैडम। ओके, बैठिए। किधर जाना है? काचीगुड़ा जाना है भाई। मैडम काचीगुड़ा बोल रहा है, बिठा लूं क्या? मुझे 40 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, बैठिए। कहाँ लेके जा रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। चुप बोला ना, चुप।